और अब बात करेंगे चुनावी चौपाल की। जी हाँ, चुनावी चौपाल में आज हम उत्तर प्रदेश की उस सीट की बात करेंगे जहां पर कांग्रेस 35 सालों से इंतजार कर रही है, जबकि बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। आइए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की बस्ती लोकसभा सीट पर लोगों का मूड क्या है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की और उनके काम की आंधी जो पूरे देश में चल रही है, तो बस्ती भी उससे अछूता नहीं है। तलवारों के साय पर हमारा इतिहास बनता है। जिस ओर ये जवानी चलती है, यह जवान उस ओर जवाना चलता है। हमारे सांसद जी तीसरी बार सांसद के रूप में लोकसभा में गरजेंगे। वो उम्मीदवार जो है बसपा वाला वो गूंगा है और भाजपा वाला जो है बोलने वाला है। परला भारी मोदी जी का है और प्रधानमंत्री बनना तय है। उत्तर प्रदेश का बस्ती लोकसभा सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है, लेकिन फिलहाल बारी 2024 की है और जनता का मूड क्या है उसे भांपने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम बस्ती की जनता के बीच पहुंची। बस्ती के रण में उनका मत इस बार किसके साथ है, ये सीधा सवाल पूछा। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो कैंपेनिंग है उसकी शुरुआत जोर शोर से शुरू हो चुकी है। चाहे वो हम बीजेपी की बात करें या गठबंधन की बात करें, दोनों की तरफ से लगातार जोर लगाया जा रहा है जमीन पर अपने आप को मजबूत करने के लिए। और इसी बीच अब रिपब्लिक भारत की टीम बस्ती पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि अयोध्या नगरी यानी कि राम की नगरी से जुड़ा हुआ बस्ती महज 1 घंटे का रास्ता है यहां से राम का धाम। और यहां के इलाके के लोग आखिर इस चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या उनकी विचारधारा है, किस तरफ उनकी लहर जाने वाली है, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने वाले हैं। बीजेपी की ओर से एक बार फिर से हरीश द्विवेदी पर भरोसा यहां पर जताया गया है। जनता उन पर कितना भरोसा इस बार कर पाएगी, क्या वो हैट्रिक लगा पाएंगे, ये बड़े सवाल है जिसका जवाब हम यहां की जनता से ही लेने वाले हैं। ये तमाम लोग हैं जो बस्ती के रहने वाले हैं, उनसे हम शुरुआत करते हैं बातचीत करने की। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या भरोसा एक बार फिर से जनता करने वाली है हरीश द्विवेदी जी पर, या फिर समाजवादी पार्टी और बसपा के जो कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं उनका कोई टक्कर दिख रहा है? देखिए मैडम, जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की और उनके काम की आंधी जो पूरे देश में चल रही है, तो बस्ती भी उससे अछूता नहीं है। और मैं ये कह सकता हूँ, जिस तरीके से 24 घंटे समर्पण भाव से देश की सेवा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसी भाव से हमारे जिले के सांसद हरीश द्विवेदी जी 24 घंटे बस्ती जिले के विकास के लिए समर्पित रहते हैं, काम करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि बस्ती में हरीश द्विवेदी की आधी चल रही है और हरीश द्विवेदी जी तीसरी बार यहां के सांसद होंगे। तीसरी बार जनता चुनेगी उनको, आप लोग किन मुद्दों को लेकर देख रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? मुद्दा तो देखिए बहुत सारे हैं, गिनवाया नहीं जा सकता है, मुद्दे बहुत हैं। अगर गिनवाया जाए तो लिस्ट बनाना पड़ जाएगा, इसलिए ज़्यादा कुछ हम कहना ही चाहेंगे। बस कहना ही चाहेंगे, हम जैसे जो युवा साथ में हैं सांसद जी के, बस यही कहना चाहेंगे कि तलवारों के साय पर हमारा इतिहास बनता है। तलवारों के साय पर हमारा इतिहास बनता है। जिस ओर ये जवानी चलती है, यह जवान उस ओर जवाना चलता है। आप बताइए क्या लग रहा है, किसकी लहर है? लहर मोदी जी की है, यहाँ से सांसद जी जीतेंगे, इसमें कोई टक्कर नहीं दे सकता है। हाँ, क्या कुछ दो चार काम गिराएंगे सांसद जी? हमारे इतना बड़ा काम, मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, सब लोग दौड़ के जाते थे लखनऊ, और जो है तमाम सब सुविधा दे दिए हैं, सड़क बनवा दिए, डिग्री कॉलेज, हाँ आज तक तो कही सांसद जी ने किए हैं। सांसद जी जीतेंगे, हम लोग उनके साथ में हैं। बस्ती में कुछ लोगों से बात कर ये पता चला कि बस्ती में हवा बीजेपी की ही है। बीते 2 बार से सीट पर बीजेपी का ही कब्जा है और हरीश द्विवेदी ही यहां से सांसद हैं। ऐसे में इस बार तैयारी हैट्रिक की है, जिसकी संभावना भी पूरी है, क्योंकि चौपाल में मौजूद लोगों के सवाल हरीश द्विवेदी के सामने मैदान में उतरे विरोधी नेता को लेकर भी है कि जनता किस आधार पर उनको वोट करे। राम मंदिर का प्रभाव पड़ने वाला है क्या आपको लगता है, क्योंकि बगल में ही राम मंदिर है और ये बड़ा मुद्दा रहा जिसे बीजेपी ने कहा कि हमने करके दिखाया, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? अब मुझे तो ये नहीं पता मैम कि आप इससे पहले बस्ती आई हैं कि नहीं, लेकिन जो लोग भी इससे पहले बस्ती आए होंगे उनसे आप अगर जवाब सवाल करेंगे तो पता चलेगा कि कितनी खराब सड़कें थी। आज आपको इतनी दूरी आने में कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट लगा होगा, कहीं कोई ब्रेकर नहीं है, सीधे गाड़ी चली आती है तेजी से। यहाँ के आम जनमानस भी, वाचनालय में जो छात्र हैं,
इतना बड़ा वाचनालय हमको लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं बना होगा, जो हमारे आदरणीय सांसद जी ने यहाँ बनवाने का काम किया है। मेडिकल कॉलेज अभी बाबा बताए हैं कि तुरंत कोई भी इलाज की आवश्यकता होती है, आदमी मूलभूत इलाज नहीं मिल पाता है जिससे लोगों को समस्याएं होती है, इस मेडिकल कॉलेज की वजह से लोगों को आराम से आम जनमानस को सुविधा हो रही है। बस्ती की जनता हमारे सांसद जी को पूरे जोर शोर समर्थन से 25 मई को मतदान करेगी और हमारे सांसद जी तीसरी बार सांसद के रूप में लोकसभा में गरजेंगे, दहाड़ेंगे, हम लोगों की आम मूलभूत समस्याओं को उठाएंगे। ठीक है, क्या लगता है आपको, गठबंधन को मौका इस बार नहीं देने वाली बस्ती की जनता? नहीं, गठबंधन को मौका किस बात पे दे? गठबंधन 15 साल से वो कैबिनेट मिनिस्टर थे जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं। आप यहीं से कप्तानगंज जाएंगी अगर जो, तो कप्तानगंज का रोड ऐसा था कि साइकिल से चलने वालों को दुश्वार था, सड़क के नाम पे एक गड्ढा मात्र था। तो किस बात पे गठबंधन? गठबंधन 15 साल से वो बस्ती में ही नहीं आते थे, उनके भतीजे, वो अपने भतीजों को टिकट देते थे, अपने उनके बेटे विधायक है इस समय कप्तानगंज से, कोई एक प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई अपने कप्तानगंज विधानसभा में, चाहे बस्ती और कैबिनेट मिनिस्टर थे, किस बात पे उनको गठबंधन पे वोट देगा कोई? क्या बाबा भरोसा जताएंगे इस बार फिर से, किस पे भरोसा करने वाले? भाजपा पर। क्यों? भाजपा विकास की काम किया है, तमाम लोगों को सुविधा दिया है, जैसे शौचालय है, आवास है और ये सामूहिक विवाह है, सड़क है, बिजली पावर है, बराबर बिजली आ रही है, तो और सुरक्षा व्यवस्था जो है, यहाँ गुंडेगिरी कम हो गई है, यही सब बात है। और हरीश द्विवेदी जी भाजपा प्रत्याशी हैं और सपा प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी हैं, इनका और उनका कोई तुलना है ही नहीं। वो गूंगा सांसद है, वो उम्मीदवार जो है बसपा वाला वो गूंगा है और भाजपा वाला जो है बोलने वाला है। ये सांसद जो है वहाँ लोकसभा में भी दहाड़ता है, वो कई बार मंत्री रहे, विधायक रहे, तमाम पार्टी से इधर उधर होकर के उन्होंने कभी विधानसभा में बोला नहीं आज तक, और न क्षेत्र में कुछ काम किया। ये जातीय गणित लगा करके इनको उनको भरमा करके पैसा दे करके अपन से जीत जाते थे। सीधे तौर पर कहें तो बस्ती की जनता विकास देखती है और जो उनके मुद्दों पर खरा उतरता है वही दिल्ली में संसद भवन पहुँचता है। क्योंकि इस सीट पर कभी बसपा का कब्जा था तो सपा के नेता भी सीट से संसद जाते रहे हैं। युवा किस तरफ जा रहा है अगर बस्ती के युवाओं की बात करें? सही पूछे तो युवा जो है हमारे सब साथी हरीश द्विवेदी सांसद जी के साथ चल रहे हैं। कारण, युवाओं के लिए कितना काम किया है? बहुत काम किया है। जैसे आप देख लीजिए, हमारे गौरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का वो बना हुआ है, ये सांसद जी की देन है। ये स्टेडियम देख लीजिए, पॉलिटेक्निक स्कूल देख लीजिए, बहुत कुछ सांसद जी ने किया है हमारे बस्ती में जी। रोजगार को लेकर अगर देखा जाए तो क्या विपक्ष रोजगार का मुद्दा उठाता रहा है? रोजगार विपक्ष का तो काम ही है मुद्दा उठाना, लेकिन हमारे सांसद जी हर जगह मेला लगवाते हैं, रोजगार मेला, कई लोग का सिलेक्शन हुआ है, तो युवा इन्हीं के साथ जाएंगे जी। तो युवाओं का साथ मिल रहा है, इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, आप लोग बताइएगा, क्या टक्कर कुछ है यहाँ पर या फिर क्या लग रहा है? क्लीन स्वीप है? टक्कर तो नहीं कहेंगे, टक्कर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो 15 साल मंत्री रहे, इसी बस्ती जिले से वो मंत्री हुए। हमारे सपा के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने 15 साल मंत्री रहते हुए, खदान मंत्री थे, वो राशन राइस मिलों में चला जाता था, वो घर में नहीं पहुंचता था। आज के समय में मोदी जी और हरीश जी के नेतृत्व में प्रत्येक घर में राशन जा रहा है, प्रति व्यक्ति 5 यूनिट राशन हर घर में पहुंच रहा है। ये नरेंद्र मोदी की देन है, हरीश द्विवेदी की देन है, इस आम जनता की देन है जिसने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। इसके अलावा हमारे सांसद ने ऐसे ऐसे काम किए हैं इस बस्ती ज़िले में जिसका इतिहास में कहीं नामो निशान नहीं था। हमारे यहाँ पहले भी सांसद रहे, बसपा के भी सांसद रहे, सपा के भी सांसद रहे, जो प्रत्याशी हैं हमारे यहाँ सपा के उनके भतीजे सांसद रहे, उनका 5 साल किसी ने चेहरा तक नहीं देखा था। आज के समय में हमारे सांसद को आप निकलेंगी यहाँ से और पीछे जनता मिलती हुई जाएगी, यहाँ से लेकर और पूरा बॉर्डर तक, ये हरीश द्विवेदी की ताकत है। जनता खड़ी है उनके साथ, उनके काम ऐसे हैं कि लाखों लोग सांसद खेल महाकुंभ में, लाखों बच्चे पूरे बस्ती जिले से प्रतिभाग करते हैं, उसमें से कितने बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर गए, वो साई का उन्हें सपोर्ट मिला, वो खेल रहे हैं आज राष्ट्रीय स्तर पर, ये सांसद खेल महाकुंभ और हरीश द्विवेदी की देन है। इसी बस्ती जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर मेडिकल कॉलेज, हजारों किलोमीटर की सड़कें, ये सब हरीश द्विवेदी की देन है, ये योगी की देन है और ये मोदी की देन है।
तो इधर भी और भी कुछ लोग अभी आए हैं, उनसे जुड़ते हैं। अब बताइएगा चाचा, क्या लग रहा है, कौन जीतेगा इस बार, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? विंध्यवासिनी पाठक एडवोकेट हूँ, पलड़ा भारी मोदी जी का है और प्रधानमंत्री बनना तय है। 80 का जो हमारा अपना वो है, 80 पार हम हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विकास के माध्यम से जहाँ से देखा जाए, अगर हजारों किलोमीटर बस्ती की बात होती है तो लाखों करोड़ों मीटर जो है पूरे देश की बात होती है। मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया है कि सुरंग से पायलट जो है, सुरंग से ट्रेन चला दिया है, और ऐसा करना भारतीय इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया और जहाँ तक विकास की बात है, विकास हो चुका है तो बेरोजगार वैसे ही लोगों को मिल गया। बेरोजगारी का जितनी बात रह गई, जो विपक्षियों ने हमारे ऊपर उछाला, वो सब सारी बातें गलत है। सब लोग रोजगार मिलेगा और मोदी जी भारत के अवश्य ही प्रधानमंत्री बनेंगे। देश में प्रधानमंत्री मोदी के विकास की रफ्तार और बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी के कामों को गिनाकर लोगों का दावा है कि इस बार उनकी हैट्रिक तय है। तो ये बस्ती की जनता को आपने सुना, जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर रोजगार की बात करें, विकास की बात करें, युवाओं को धरातल से जोड़ने की बात करें, या फिर युवाओं के लिए चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो पढ़ाई को लेकर लाइब्रेरी भी यहाँ पर उसका निर्माण किया गया उसकी बात हो, या फिर मेडिकल की व्यवस्था हो, किसानों की व्यवस्था हो, वो सारी चीजें यहाँ पर की गई हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और लोग कह रहे हैं कि यहाँ से एक बार फिर से हरीश द्विवेदी जो है वो हैट्रिक लगाने में कामयाब होने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये जनता की आवाज है बस्ती से। विजय सचिन के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, बस्ती। हमास के ताजा हमले के बाद इसराइल ने गाजा पट्टी में किए ताबड़तोड़ हमले। आसमान में दिखे काले धुएं के गुब्बार। गाजा सीमा के पास इजरायली टैंक और सैनिकों को देखा गया। इसराइल ने हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने और सैन्य अभियान शुरू करने की दी चेतावनी। हमास के उग्रवादियों के हमले के बाद इसराइल ने गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अपना मुख्य क्रॉसिंग पॉइंट बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ गाजा पट्टी में भूख से बिलख रहे लोगों के लिए हवाई जहाजों से राहत सामग्री पहुंचाई गई। रूस के कब्जे वाले बांडिर्यास्क में एक कार में हुआ विस्फोट। कार में मौजूद एक जेल अधिकारी की मौत हो गई। यूक्रेनी सैन्य खुफिया ने हमले की जिम्मेदारी। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ में चाकूबाजी का मामला है सामने। 16 साल के लड़के ने सरेआम एक शख्स पर चाकू से किया जानलेवा हमला। पुलिस ने आरोपी लड़के को एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस ने बताया आतंकवाद से मिलता जुलता है यह मामला। ब्राजील में भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही मची। बाढ़ बारिश से एक हफ्ते में 75 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। 103 लोग लापता। रेस्क्यू टीम का राहत और बचाव का काम लगातार जारी। बाढ़ के कारण ब्राजील के रियो ग्रांडे डी सुल राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। भारी बारिश के कारण कई जगहों की सड़कें धस गई और वहीं हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक 80,000 से ज्यादा लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा। जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने ब्राजील की अपनी यात्रा के दौरान जापानी समुदाय के सदस्यों से की मुलाकात। जापानी अप्रवासन के पायनियर्स के मकबरे पर फूल चढ़ाए और प्रार्थना की।